हेलो दोस्तों, नमस्कार। यस एफएम ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम नया रेसिपी लाएंगे और सूजी का चिल्ला बिना दही का बनाएंगे और दिखाएंगे कि घर में दही नहीं है तो भी आप चिल्ला बना सकते हो, वो भी लाजवाब चिल्ला बनाएं और खाएं। तो हम शिमला मिर्च कट किए हुए हैं, प्याज कट किए हुए हैं, उसे ऐड कर रहे हैं, टमाटर ऐड कर रहे हैं, मिर्ची छोटे छोटे कट किए हैं और करी पत्ती लिए हुए हैं और जितनी वेजिटेबल है आप डाल सकते हैं। कटा हुआ हरी धनिया है, उसे हमने ऐड कर लिया है। इसमें जीरा ऐड कर रहे हैं, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रहे हैं। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। पानी ऐड कर रहे हैं इसमें, तो बैटर को एकदम अच्छे से स्मूथ करना है, गाढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे गाढ़ा लग रहा था तो मैं और पानी ऐड किया उसमें। तो देखिए, हम अच्छे से सूजी को और वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो तैयार हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा नींबू ऐड करेंगे। दही की जगह पे हम नींबू ऐड कर रहे हैं, आधा चम्मच, आधा, तो मैं इसे आधा चम्मच करीब था वो। तो अभी हम तवा रख दिए हैं गैस पे और आज पे दिखा रहे हैं कि हम चिल्ला कैसे बनाते हैं बिना दही के। बहुत ही लाजवाब चिल्ला बना रहे हैं। तो किसको किसको पसंद है चिल्ला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम तवे पे रख दिए हैं बैटर को, इसे अच्छे से फैला दे रहे हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करेगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा और कमेंट करके बताइएगा किसको ज़्यादा पसंद है। तो इसके हम साइड साइड में हम थोड़ा ऑयल डाल दे रहे हैं कि अच्छे से छोड़ दे। तो देखिए, अब इसको हम क्रंची से अच्छे से पलट देंगे, ऑयल ऐड कर देना कि जल्दी से छोड़ दे। हाँ, 2-3 मिनट लगता है चिल्ला को पकाने में, गैस को स्लो पे रखिएगा। तो देखिए, चिल्ला अब हम पलटने जा रहे हैं। तो ऐसे ही आप सूजी के चिल्ले को बनाइए। आपके पास जो भी वेजिटेबल हो आप डाल सकते हैं घर में। यहाँ पे दही भी डालते हैं हम लोग, लेकिन नहीं घर में तो कोई बात नहीं, बच्चों को टिफिन के लिए, बड़े बुजुर्ग सभी को पसंद आएंगे। बच्चों को खास करके टिफिन में आप दे सकते हैं स्कूल में जाने के लिए। तो हमने अपनी बेटी के लिए टिफिन तैयार कर रही थी। तो उलट पलट के 3-4 मिनट लगेगा, गैस को स्लो पे रखना है आपको। ऐसे आपको चिल्ला रेडी करना है और बहुत ही यम्मी लगता है, आप सॉस के साथ खा सकते हैं। देखिए, मेरा चिल्ला तैयार हो चुका है। वैसे हम दोबारा आपको फिर से दिखा दे रहे हैं कि ऐसे आप चिल्ला बनाइए। हम बैटर ले लिए हैं, इसे अच्छे से फैला दे रहे हैं तवे पे और 1-2 मिनट ऐसे पकाना है स्लो गैस पे। साइड साइड में ऑयल ऐड करना है और इसे क्रंची के सहारे से पलट देना है। ऑयल रहेगा तो फटाक से छोड़ देता है। आप नॉन स्टिक भी तवे ले सकते हैं, लोहे का जो भी घर में अवेलेबल है वो तवे ले सकते हैं। तो हम इसे उलट पलट के चिल्ला को तैयार कर रहे हैं। तो बहुत ही लाजवाब चिल्ला बना रहे हैं। तो देखिए, तैयार हो चुका है। तो लीजिए, हम चिल्ला रेडी कर लिए हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट। तो खाइए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।